नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश चंद कुकुरेती ग्राम नंदपुर कोटद्वार पौड़ी गढ़वा उत्तराखंड से पिछले 25 वर्षों से गौरैया संरक्षण का कार्य कर रहा हूं। और आप ये देख रहे हैं कि गौरैया संरक्षण के लिए एक नेस्ट बॉक्स आम के पेड़ में लगाया। आम के पेड़ में लगभग मेरे इस समय 50 नेस्ट बॉक्स लगे हुए, 80 नेस्ट बॉक्स घर से बाहर हैं इस तरह से पेड़ों में अपने घर में। तो इसमें आपने देखा कि थोड़ा बारिश के लिए अगर हम आप लोग यदि इस तरह से घर से बाहर अगर नेस्ट बॉक्स लगाए तो ऊपर एक चादर का लगा दे ताकि ये बॉक्स भीगे नहीं, इसके अंडे बच्चे खराब ना हो। और अन्य परभक्षी चिड़िया जैसे सिकराबाज हो गया, चाहे आपका कौवा हो गया, चाहे गिलहरी हो गया, या ब्रह्मी मैना हो गया, या आपका ट्रीपाई हो गया, उनसे बचने के लिए इसके आगे मैंने जाला लगाया। इसके अंदर 4 बच्चे इसके अंदर है और सुरक्षित हैं, लगभग उड़ने वाले हैं, अभी मैंने आपको वीडियो बताया। और ऐसे दूसरे डब्बे में, तीसरे डब्बे में, कई डब्बों में, लेकिन इसके आगे सुरक्षित, क्योंकि इसके जाला, जब इसके अंदर हमने आगे से जाला लगाया, क्योंकि जाला लगाने से इसके अंदर अंडे और बच्चे गौरैया के सुरक्षित हो गए। जाला में यहाँ पे एक जाने के लिए है, गौरैया के लिए अंदर जाने के लिए बना रखा, एक ऊपर से यहाँ से बना रखा ताकि आसानी से जा सके, दूसरी चिड़िया इसके अंदर न जा सके। और मैं आप दूसरे डिब्बा बताती हूँ, इसके बगल में ये वाला डिब्बा आप देख रहे हैं सामने, तो इसमें भी बता। ऐसे सभी डिब्बे हमारे पास नेस्ट बॉक्स है जिनमें कि बच्चे हैं। इस समय 42 डिब्बों में बच्चे हैं। और आज हम 9 जून 2022 है और 9 जून 2022 में इस समय 42 नेस्ट बॉक्स में हमारे यहाँ बच्चे हैं। और इस वाले में भी इस समय 5 बच्चे हैं, एक बच्चा बाहर निकल चुका है, 4 बच्चे उड़ने वाले हैं इसके अंदर। और ये नेस्ट इसके भी जाला लगा रखा, इसके ऊपर बारिश डिब्बे को नुकसान नहीं पहुँचाया, इसके अंडे बच्चे को नुकसान पहुँचाया, तो चादर का लगा दिया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मई जून में बारिश होती है, बारिश इसके अंदर डायरेक्ट पड़ने से इसके अंडे बच्चे कई बार खराब हो जाते हैं, बच्चे भीग जाता है, तो इस कारण से ये लगा दिया है। और अगले साल इस समय 10-11 डिब्बों में ये चादर लगा रखा, अगले साल लगभग कोशिश करूँगा कि सभी डिब्बों में लग जाए जो बाहर लगाए हुए हैं। तो आप भी अपने घर में यदि नेस्ट बॉक्स चिड़ियों के लिए, कोई भी चिड़ियों के लिए अपने घर के में संरक्षण का कार्य कर रहे हैं, तो उसे विशेष ध्यान दें कि हमने किस प्रकार से उसके अंडे बच्चे सुरक्षित है, जिस प्रकार से इसके आगे जाला लगा रखा। जाला लगाने के कारण से पिछले 6 सालों से लगभग डिब्बों में जाला लग रहा है, और जाला लगने से हमारे यहाँ अंडे और बच्चे सुरक्षित है। मेरे घर के आसपास लगभग 1000 नेस्ट बॉक्स हैं और पूरे क्षेत्र में लगभग 10000 नेस्ट बॉक्स मैंने लगा रखे हैं। और जहाँ वहाँ ही तक नेस्ट बॉक्स मैं लगाता हूँ, जहाँ तक मैं जा सकूँ। धन्यवाद। ज्यादा खेरी रुमाल थियो साथ मा, रुमाल मा मीठो मीठो थियो तिम्रो समझाना। लाहुर ज्यादा खेरी रुमाल थियो साथ मा,
मालामा मिठो मिठो थियो तिम्रो सम्झना।